जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का कुछ न्यूमेरिकल। ये करंट है, टोटल करंट आईएस है, यहाँ से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान से देखना, टोटल करंट आईएस है और इसके बाद इसमें करंट फ्लो हो रही है आईजेड और इसमें करंट फ्लो हो रही है आईएल, तो आईएस इक्वल टू हो जाएगा आईजेड प्लस आईएस के बराबर। आईएस इक्वल टू टोटल हो जाएगा आईजेड प्लस आईएल के बराबर। टोटल करंट इज इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट आईजेड प्लस आईएल। आईजेड जो जनरेटर डायोड में करंट जा रहा है, आईएल जो लोड करंट में जा रहा है। तो इक्वेशन नंबर वन ये हो गया, ठीक है। दूसरा करंट, टोटल जो इनपुट वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ये वीएस प्लस टोटल इस वीएल के बराबर होगा, यानी कि V input is equal to हो जाएगा Vs, यानी कि जो सीरीज में जो वोल्टेज है वो, प्लस टोटल रिमेनिंग वोल्टेज Vs प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज अपेयर हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज अपेयर होगा, यानी कि मान लेते हैं कि VL, तो Vs प्लस VL के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर टू, बस ये दो इक्वेशन। अगर अगर आपको डायरेक्ट किसी के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको आरएल के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से अप्लाई करोगे और वीएल इज इक्वल टू डायरेक्टली किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं आप, आरएल के अक्रॉस, तो आरएल इनटू टोटल इनपुट वोल्टेज, यानी कि इनटू वी इन डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें सिर्फ दो ही होता है, आरएस प्लस आरएल। ये बस तीन फॉर्मूला को आपको ध्यान पे रखना है, इसके बाद आपका सारा कुछ सॉल्व होते रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वीआई, यानी कि इनपुट का रेंज निकालना है। समझ में आया पहली बात कि रेंज ऑफ वीआई, तो यहां से समझ में आ गया कि इनपुट का रेंज यानी कि इनपुट वेरिएबल है, इनपुट फिक्स नहीं है। क्लियर। दैट विल मेंटेन द जेनर डायोड इन द ऑन स्टेट, यानी कि जेनर डायोड ऑन कब होगा, जेनर डायोड ऑन तब होगा जब इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड से ज्यादा है, वीजेड की वैल्यू जब बड़ी होगी, वीजेड से वैल्यू होगी, तो ये ऑन स्टेट में होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जेनर डायोड में है और वीएल इज इक्वल टू वीजेड होगा, वीएल इज इक्वल टू वीजेड। क्लियर है, ये कंडीशन पहला ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसके बाद बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, तो जस्ट हम लोग जो अभी अभी पढ़ा है उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला गिवन है वीएल इज इक्वल टू वीजेड 20 वोल्ट, आरएल 1.2 किलो ओम, IL, अब अगर मुझे RL दिया हुआ है, VL दिया हुआ है, तो लोड करंट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, और I की वैल्यू होती है V by R, और मुझे IL की वैल्यू निकल गई 16.66 मिली एम्पियर। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जो दो फॉर्मूला पढ़े थे वो फॉर्मूला को अप्लाई कर दे रहे हैं। इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VS प्लस VL, जहाँ पे कि VI इज इक्वल टू VS प्लस VZ के बराबर होगा। VZ की वैल्यू ऑलरेडी 20 वोल्ट और दी हुई है, इसलिए VL इज इक्वल टू VZ इज इक्वल टू 20 वोल्ट हमने रख दिया। ओके, वी आई इज इक्वल टू वी एस प्लस 20 वोल्ट हमने पुट कर दिया। मुझे वी आई की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इनपुट की मैक्सिमम मिनिमम। तो इनपुट की मैक्सिमम कब होगी, जब मेरा वी एस भी मैक्सिमम होगा, यानी कि जब मैं वी आई को बढ़ाऊंगा तो मेरा वी एस भी इंक्रीज होगा। क्लियर है, तो इसलिए मैंने लिख दिया वी आई मैक्स इज इक्वल टू वी एस मैक्स प्लस 20। ओके, सिमिलरली वी आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि वी आई को मैं रिड्यूस करूंगा तो वी एस बी रिड्यूस होगा, क्योंकि ये तो 20 फिक्स है। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर आता हूँ आई एस पे, करंट निकाल लेता हूँ आई एस की वैल्यू। तो आई एस इजकल टू क्या है, आई जेड प्लस आई एल, जहाँ पे कि आई एस की वैल्यू मुझे निकालनी है और आई जेड की वैल्यू मेरे पास नहीं पता है, और लेकिन आई एल की वैल्यू जो है वो दी हुई है 16.67 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है। ओके, लेकिन एक और चीज़ गिवन है, वो है आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू, आई जेड मैक्सिमम है 60 मिली एम्पियर। ओके, तो आई जेड मैक्सिमम और आई जेड मिनिमम कितना होता है, ऑटोमेटिकली जीरो, ये तो पहले बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ, आई जेड मिनिमम इजकल टू जीरो, आई जेड मैक्सिमम इजकल टू गिवन। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, आई एस मैक्सिमम निकालेंगे, यानी कि अगर मैं आई एस को बढ़ाऊंगा तो आई जेड क्या होगा, बढ़ेगी, क्योंकि ये फिक्स है। तो आई एस मैक्सिमम इजकल टू कितना हो गया, आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल, आई जेड मैक्सिमम 60 दिया हुआ है और ये 16.67, तो टोटल वैल्यू हो गई 76.67 मिली एम्पियर। ओके, अब आई एस मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, आई जेड, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है वो आई जेड मिनिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा 16.67 एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 16.67 का मतलब होगा टोटल 16.67। आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एस मिनिमम जो होता है वो हमेशा आई एल के बराबर होता है, तो इसलिए अगर नहीं भी निकालते हो तो डायरेक्ट आई एल के बराबर रख सकते हो। तो दोनों वैल्यू निकल गई। अब जो इक्वेशन हमने निकाला था वी आई मैक्सिमम और वी आई मिनिमम, उसमें आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वी आई मैक्सिमम क्या था,
वी आई मैक्सिमम था वी एस मैक्सिमम, वी एस मैक्सिमम प्लस 20 फिक्स वोल्टेज था। तो वी एस मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर, यानी कि आई एस मैक्सिमम इंटू आर एस। आई एस मैक्सिमम जस्ट हमने निकाला है यहाँ पे दिस वन, इंटू आर एस से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 20 ऐड कर दिया, वी आई मैक्सिमम की वैल्यू निकल गई 36.86 वोल्ट। यानी कि सिंपल वोल्टेज निकाल रहा हूँ, वोल्टेज इक्वल टू यहाँ पे दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज निकालने के लिए आई इंटू आर कर दिया आपने, क्लियर है। अब आते हैं वी आई मिनिमम के लिए, ये वो भी हो जाएगा, ये आई मिनिमम इंटू आर प्लस 20, और इसकी वैल्यू आ गई 23.66। यानी कि आपका इनपुट जो रेंज वैरी कर रहा है वो 23.66 से 36.86 तक वैरी कर रहा है, क्लियर है। कि पहला केस पढ़ा हमने जहां पे कि इनपुट रेंज वैरी कर रहा है, ओके। दूसरा केस पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ आरएल एंड आईएल, यानी कि ये दोनों का रेंज निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना वैरी कर रहा है, यानी कि लोड वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है दैट विल रिजल्ट इन वी एल, यानी कि वी एल का मतलब ये आउटपुट बींग मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट, यानी कि ये 10 वोल्ट पे मेंटेन्ड है। मेंटेन होने का मतलब ये भी बोल रहा है कि वी एल इजकल टू वी जेड है, ओके। तो पहली कंडीशन यही दी हुई है कि वी एल इजकल टू वी जेड है और दिस इज नथिंग बट गिवन एट 10 वोल्ट, सबसे पहले यही करना है, तो ये गिवन है। इसके बाद सारी वाली दी हुई है, इनपुट भी फिक्स है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग बस ध्यान से एक मिनट समझने की कोशिश करना। अगर वी इन यहाँ पे फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे वैरी नहीं कर रहा है तो ये जो वोल्टेज होगा वो भी वैरी हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी वैरी फिक्स है। तो ये इनपुट फिक्स है, ये आरएस फिक्स है, तो ये आईएस भी फिक्स होगा, वीजेड भी फिक्स है, सिर्फ वैरी क्या कर रहा है, ये वैरी कर रहा है, यानी कि आईजेड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैरी करेगा, जिसकी मैं आईजेड की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, और आईएल मिनिमम मैक्सिमम वैरी करेगा, क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आई जेड मैक्सिमम दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, वी एल इजकल टू वी जेड दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया है, कि वी इन इजकल टू वी एस प्लस वी जेड, वी इन की वैल्यू 50 दी हुई है, वी एस मुझे निकालना है और वी जेड की वैल्यू है 10 वोल्ट, तो कितना हो गया, वी एस इजकल टू 40 वोल्ट, बहुत आसानी से निकल गया। जब वी एस निकल गया तो मैं आई एस भी निकाल लूंगा, तो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस बाई आर एस, है ना। और वी एस की वैल्यू ऑलरेडी निकाला हमने 40 वोल्ट, आर एस की वैल्यू 1 किलो ओम दिया हुआ है, तो इसलिए निकल गया 40 मिली एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं निकालने के लिए, आई एस की वैल्यू निकल चुकी है, आई जेड की वैल्यू निकालनी है मुझे और आई एल की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो आप बताओ, अगर आई एस गिवन है, आई एस ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे 40 मिली एम्पियर, और आई जेड और IL दोनों निकालने, लेकिन IZ की वैल्यू दी हुई है, IZ मैक्सिमम एंड मिनिमम गिवन है मुझे, तो IL निकल जाएगा आराम से। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं भी लगाते हो तो आप क्या करो, IS इज इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए 40, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए IZ मैक्सिमम, IZ मैक्सिमम इज इक्वल प्लस IL, IL, तो मेरे IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, यहाँ देखिए इक्वल टू है 40 माइनस IZ मैक्सिमम, ओके। अब स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, अगर मैं इस केस में क्या किया हमने, आई एल इज इक्वल टू आई एल को इधर लेके आ गया, तो हो गया आई एस माइनस आई जेड, क्लियर है ना, आई एस में से आई जेड घट गया। तो अगर मुझे आई एल की वैल्यू निकालनी है तो आई एस तो फिक्स है 40 मिली एम्पियर, उसमें से मैं क्या करूंगा, आई जेड को घटा दूंगा, ओके। आई जेड की दो वैल्यू है आपके पास, एक है मैक्स मतलब मिनिमम वैल्यू 0, तो मैं 40 में से 0 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 40 मिली एम्पियर आएगी, और एक है 10 मिली एम्पियर, तो 40 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगी, 30 मिली एम्पियर। अब आप दोनों को देखिए कौन सा बड़ा है, 40 वाला, तो इसको लिख दूंगा मैं आई एल मैक्सिमम, और कौन सा छोटा है, 30 वाला, तो लिख दूंगा आई एल मिनिमम, क्लियर है। तो आपका निकल गया आई एल की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आई एल की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकल गई है तो क्या मैं वी एल नहीं निकाल सकता हूँ, तो VL का फॉर्मूला क्या होगा, VL इज इक्वल टू IL इनटू RL। VL ऑलरेडी दिया हुआ है, VL फिक्स है, VL की वैल्यू 10 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, मुझे क्या निकालना है, RL निकालना है, तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL बाई IL, VL भी गिवन है, IL भी गिवन है, मुझे RL निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, एक बार VL की वैल्यू तो फिक्स है 10 वोल्ट, IL की वैल्यू, एक वैल्यू आई है 30, एक वैल्यू आई है 40,
दोनों पे मैं आरएल निकाल रहा हूँ, तो एक वैल्यू मेरी आई 0.33 किलो एम्पियर, किलो ओम सॉरी, और एक आ गई 0.250 एम्पियर, जीरो किलो ओम। तो जो वैल्यू कम आएगी उसको मान लूंगा आरएल मिनिमम, जो वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको बोल दूंगा आरएल मैक्सिमम। तो दिस इज द रेंज ऑफ आरएल मिनिमम मैक्सिमम। इसके पहले जो हमने निकाला था दिस वैल्यू इज नथिंग बट आईएल मिनिमम मैक्सिमम, दिस इज आईएल मिनिमम मैक्सिमम जो हमने निकाला है इसके पहले, दिस इज आईएल मिनिमम मैक्सिमम एंड आरएल मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि लोड एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों वैरी कर रही है। दो क्वेश्चन देख लिया हमने, नाउ द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना ध्यान से। फाइंड आउट वी एल, लोड वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, वी एस, आई जेड एंड पी जेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये नहीं बोला गया है कि ये जेनर डायोड की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि क्या कर रहा है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा वी एल, क्लियर है, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, वी एल निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वी एल निकालिए, वी एल, और वी एल निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 8.72। आपकी वी जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, देखिए वी जेड दिया हुआ है 10 वोल्ट और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है 8.72। तो क्या ये जेनर डायोड की रेगुलेटर की तरफ बिहेव करेगा, 8.72 आपका इसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा है लोड वोल्टेज, और जेनर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो इसको जेनर ब्रेक मतलब रेगुलेटर की तरफ बिहेव करने के लिए इसका वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो 10 से ज़्यादा आना चाहिए था। तो इसीलिए ये अब वी एल इज इक्वल टू वी जेड नहीं होगा, क्लियर है, इन दिस कंडीशन वी एल इज नॉट इक्वल टू वी जेड। ओके, तो अगर आपने वी एल निकाल लिया तो डायरेक्टली आप आई एल भी निकाल लोगे, वी एल बाई आर एल करके, बस यही यहीं पर ट्रिक था और कुछ नहीं था, यही था। बाकी केस में क्या करते थे, वी एल इज इक्वल टू वी जेड कर रहे थे, इस केस में हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके, वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके वी एन इन टू आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज इन टू जिसके क्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हो वो रेसिस्टेंस डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल। इसके बाद आपने आई एल निकाल लिया, जब आई एल निकल गया तो फिर आपका आई एस निकल जाएगा, आई जेड प्लस आई एल, है ना, एंड देन आई एस की वैल्यू हो जाएगी वी एस बाई आर एस, और बाकी सब कुछ निकल गया यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।